इश्क करना हो तो कहते हैं कि चाय से मुफीद चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। चाय के सहारे कई सारी प्रेम कहानियां बनी हैं, बिगड़ी हैं। कई लोगों ने गम को भुलाने के लिए चाय का सहारा लिया तो कई लोगों ने अपने प्यार के इजहार के लिए ही चाय को चुना। लेकिन चाय भी जब बहुत तरह की मिलना शुरू हो जाए, वैरायटी आना शुरू हो जाए और ख़ास बात यह कि वो आपकी सेहत के लिए भी मुफीद हो तो क्या कहेंगे। पटना में कुछ ऐसा ही है। बैंगलोर का एक पूरा एक चेन है जो कि अब पटना पहुंचा है, पप्पू चाय वाला नाम है और ये पूरा थीम रेस्टोरेंट है जहां पे आप चाय के अलग अलग फ्लेवर्स जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। क्या ख़ास बात है, क्यों बैंगलोर से चल करके कोई बिहारी पटना आया, यहाँ पर इन चीज़ों को किया, पीछे का बैकड्रॉप अगर आप देखेंगे तो चीज़ों को समझेंगे कि बिल्कुल अलग एक अलग क्लास देने की कोशिश हुई है। पप्पू चाय वाला को ऑन करने वाले ईशान सिन्हा हमारे साथ हैं। ईशान, क्योंकि बींग ए बिहारी, बैंगलोर में पढ़ाई हुई पूरी, वहाँ देखा और उसके बाद फिर पटना, चाय लेकर के क्यों आए? चाय तो ले करके गए थे तो लाना वापस ज़रूरी समझा, तो इसीलिए मेरे को वही लगता है कि हम लोग को बिहार में कॉफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन कॉफ़ी एक ट्रेंड है जो आज ना कल थोड़ा हैवी लगता है मन में, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है कि हम दिन भर उसको पी सकते हैं, लंच के पहले, लंच के बाद, डिनर के पहले, डिनर के बाद, 7 बजे तो चाय लोग पी ही लेते हैं। तो चाय एक बेवरेज नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि पीना ज़रूरी है, वो ऐसा है कि अगर मिल जाती है तो लोग पी लेते हैं और चाय से लोगों को लगाव भी है बिहार के, एक्चुअली आई थिंक पूरे इंडिया के को चाय से बहुत ज़्यादा लगाव है। टी का मैं नहीं जानता क्योंकि टी थोड़ा विदेशी है, बट चाय जो होती है जो खौलाई जाती है 2-3 बार आपको लिप पे लगता है थोड़ी सी जल गई है, लेकिन वो जली नहीं है, प्रॉपर है टेस्ट उसका, वो चाय थोड़े दिल के करीब है हम लोगों के यहाँ पे। बैंगलोर जब गए यहाँ से तो फिर क्या चाय वहाँ ढूंढते थे कि कुछ बिहारी पन हो उसके अंदर में, और जब बैंगलोर में आप पप्पू चाय वाले पे जब पहुँचे और उसको लगा कि नहीं, मतलब जब पटना लौटना है, जब बिहार दोबारा आना है, तो मतलब मन में क्या ख्याल आया कि मतलब क्यों पप्पू चाय वाला ही यहाँ पे आया और अलग क्या है इसमें चाय के? देखिए बैंगलोर में काफ़ी ब्रांड्स हैं जहाँ पर चाय मिलता है, जैसे कैफ़ेज़ हो जाते हैं, टी के भी कैफ़ेज़ हो रहे हैं, चाय के कैफ़े, तो मेरे को लगता है कि जब मैं जाता था, कई ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो चाय घर वाली चाय नहीं लगती थी, लगता था कि रेस्टोरेंट में बैठकर हम चाय पी रहे हैं, लेकिन वो घर की याद नहीं दिलाता था कभी। पप्पू चाय में हम लोग गए यही जो आप बोल भी रहे थे, चाय की खोज के लिए, क्योंकि जो भी चाय प्रेमी होते हैं वो काफ़ी घूमते हैं एक प्रॉपर कप ऑफ़ टी के लिए, कप ऑफ़ चाय के लिए, तो हम लोग खोजते थे, फिर पप्पू चाय वाला गए और पहली चाय जब पी हमने तो पप्पू की मसाला चाय पी, स्पेशल चाय, तो उसके बाद लगा कि नहीं ये अच्छा है, और उसके बाद हमारी बात हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तब हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम लोग को पटना को भी इस पप्पू चाय वाले के ब्रांड, इनके रेसिपीज़, इनके टेस्ट से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ले आए उनको यहाँ पे। अभी फ़िलहाल अगर हम लोग साथ साथ थोड़ा चलें तो मतलब अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो कितनी तरह की चाय है जो मतलब यहाँ पर सर्व हो रही है, और जो सड़क किनारे चाय या फिर जो नामी ग्रामी जो होटल्स हैं, रेस्तरा हैं जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, उस चाय में अंतर और इस चाय में अंतर क्या है? हम लोग का मानना है कि हम जो चाय बनाते हैं वो एक तरह से सड़क की चाय टाइप की होती है, लेकिन वही आपको एम्बियंस अलग लगेगा, आपको माहौल अलग लगेगा। सड़क की चाय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी मेरे को सड़क की चाय अच्छी लगती है, अगर साफ़ सुथरी जगह की हो तो सड़क की चाय बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो 2-3 बार खोला जाता है उसको और वगैरह वगैरह कारण होते हैं। तो जो सिमिलैरिटी है हमारे पास वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है, आपको रेस्टोरेंट का बैठने का एक्सपीरियंस, सफाई, हाइजीन, कंफर्टेबल सीटिंग, प्राइवेसी थोड़ा मिलेगी, शांति भी आपको मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपको वो क्या उसका नाम होता है, वो छोटे कप्स में जो चाय आती है कुल्हड़ वाली चाय, उसका जो टेस्ट, कटिंग चाय जो होता है वो टेस्ट भी आपको आएगा, क्योंकि हमारी चाय जैसे अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए हम आपके कप की चाय को हम स्पेशल आपके लिए खौलाएँगे, ऐसा नहीं है कि चाय खौले जा रही है और हम आपको दे देंगे उसमें से निकाल करके, क्योंकि तब क्या होगा, तब अंतर आएगा चाय में, आपका ऑर्डर आने के बाद हम आपकी चाय को स्पेशली आपके लिए खौलाना स्टार्ट करेंगे, और खौलाने के 10 से 20 सेकंड बाद वो आपके होठों को लगेगी, तो उसका स्वाद एक अलग होता है। क्योंकि
क्योंकि अमूमन चाय को लेकर की ईशान जी लगातार ये चीज़ें आ रही हैं कि चाय बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है, बहुत उस पर बहुत तरह की डिबेट्स आने शुरू हो गई हैं कि चाय मतलब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी चाय भी है या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी हैं। कोरोना के वक्त में तो लोग काढ़ा पी रहे थे, चाय के अलग अलग फॉर्मेट्स पी रहे थे, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो चाय है वो सेहत के लिए कितनी अलग है? एक तो मैं वही कहना चाहूँगा कि हाइजीन हम लोग के यहाँ पे मेंटेन्ड है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, एक तरह से उनके लिए ग्रीन टी भी अवेलेबल है। एक हमारे पास स्पेशल चाय आती है सुलेमानी चाय, तो सुलेमानी चाय को हम थोड़ा अलग से हट के सर्व करते हैं लोगों को, और उसमें आपको लेमन और मिंट का स्वाद आएगा। ये पटना के लिए मेरे को लगता है थोड़ा हट के है, लोग पसंद भी करते हैं बहुत। और फिर हमारे पास अदरकी चाय है, जो विंटर में अगर आप आए होते तो आप देखते कि अदरकी चाय लोग बहुत पीते हैं क्योंकि गले को उससे सुकून मिलता है। तो अदरकी चाय भी है जो गले के लिए बहुत अच्छी है। और एक हमारी स्पेशल चाय है मसाला चाय, पप्पू की स्पेशल मसाला चाय। इसमें क्या होता है कि हम हर सुबह अपने मसालों को एक प्रपोर्शन में, जो हम लोगों को बता नहीं सकते हैं क्योंकि वो ट्रेड सीक्रेट है कंपनी का, उस प्रपोर्शन में ही हम उन मसालों को लेते हैं, टोस्ट करते हैं पैन में एक करेक्ट टेम्परेचर तक, क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि हर एक मसाले का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो मसाला अपने स्वाद के पीक पर होता है। तो हम उसको हीट करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं उतना कम नहीं, और उसके बाद फ्रेशली ग्राइंड करते हैं। तो ये मसाला हम लोग का एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे बनता है, और ये मसाला चाय हम लोगों को सर्व करते हैं, जो अभी बैंगलोर में चल रहा था और पटना में भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि मतलब आप भी बिल्कुल उसी वर्ग के हैं जिनकी पसंद इस तरह की जगहें हैं आज के वक्त में। जब लोग आते हैं तो क्या फीडबैक आता है, मतलब कि क्या सच में आप, क्योंकि आप बैंगलोर में थे, पटना आए, लगता नहीं कि इस तरह की जगह पटना में मिसिंग थी जिसको पप्पू चाय वाला जो है वो थोड़ा उस गैप को पाट रहा है? हाँ, मिसिंग तो थी। जैसे जब CCD आया तो कैफ़ेज़ मिसिंग थे, जब KFC आया तो बर्गर के प्लेस रेस्टोरेंट्स मिसिंग थे। तो चाय आई थिंक मिलती थी पटना में, बट इस टाइप की चाय जो स्पेशलाइज हम करते हैं चाय पर, हम अपना ध्यान ज़्यादा भटकाते नहीं हैं। हमारा मेजॉरिटी मेन फोकस रहता है चाय पे। उसके साथ साथ हमारे जो खाने के भी आइटम्स हैं वो आप देखेंगे कि वो सब चाय के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे आपका हो गया बन मस्का, आपका हो गया पकौड़े, कोई भी ऐसा खाना नहीं है जो आपको लगेगा कि ये घर से थोड़ा हटके है। हम ट्राई करते हैं चाय भी जो आपको मिले वो या तो आपको एक थोड़ा नॉस्टैल्जिक स्वाद मिले कि हमने ये चाय पी हुई है, तो खाने में भी उस टाइप का स्वाद आना चाहिए। पाव भाजी, कीमा पाव, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चलेगा कि जो भी हमारा फोकस है सब चीज़ चाय के इन एंड अराउंड रिवॉल्व करता है। रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? रिस्पॉन्स तो जो पटना शहर का है काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है। कोरोना के बाद, कोरोना के पहले लोग वापस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि बंद थे, क्यों थे, क्या हुआ, अरे वापस खुल गए, बहुत अच्छे। तो रिस्पॉन्स तो जितना हम सोच रहे थे रीस्टार्ट करने से पहले, हमने अक्टूबर में रीस्टार्ट किया, तो अक्टूबर में जो हमारी उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है। और ये शहर कुछ ऐसा ही है, आप जितना प्यार देते हैं उससे दुगना प्यार ये शहर आपको देता है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, हमारा टेस्ट मेंटेन रहे, और लोग आते ही रहते हैं उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाय पर ये पूरी कहानी है पप्पू चाय वाले की। और ख़ास बात ये कि एक बिहारी यहाँ से बैंगलोर जाता है पढ़ाई के लिए, वहाँ पर क्योंकि हर बिहारी मोर और लेस चाय से जुड़ा हुआ है, चाय से बिहारी कनेक्ट करता है, चाहे वो पढ़ाई के वक्त में चाय की तलब हो, रात भर जग करके पढ़ने की बात हो, या फिर अपनी गप्पे हाँकने के लिए जो एक चीज़ हाथ में चाहिए वो चाय ही रहती है। कॉफ़ी भी लोग पीते हैं, लेकिन चाय दिल के करीब है। और शायद यही वजह है कि बैंगलोर से एक बिहारी पटना पहुँचता है चाय लेकर के, और अब उस चाय को पटना के लोग जो हैं एक अलग अंदाज की जो चाय है उसको पसंद करें। छोड़ जाते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही चाय के दिलकश वीडियोज़।